हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्जाम प्रिपरेशन में डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों आपको बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी एआरएस साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। एआरएस का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस, ठीक है। तो एआरएस एग्जामिनेशन 2023 का पेपर पैटर्न जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों जैसा कि ये दिया हुआ है आप देख सकते हो, ये 17 मई 2023 का जो है नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है 2024 में मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको केवल एक आइडिया लग जाएगा कि मतलब जो भी एग्ज़ाम एआरएस साइंटिस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसका पेपर पैटर्न कैसा रहता है, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके लिए वीडियो मैंने बना दिया है। दोस्तों आगे जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें जो है ये पेपर पैटर्न की बात करें तो एनेक्सर 4 जो दिया हुआ है, ये इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी वेबसाइट भी दोस्तों यहाँ पे दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो www.asrb.org.in, ठीक है। तो इसका सिलेबस यदि आपको चाहिए होगा तो आप इस वेबसाइट से जाकर के सिलेबस भी इसका देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों जैसा कि दिया हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जो है, मतलब जो एआरएस का एग्ज़ाम होगा उसका स्कीम, मतलब वो कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, पेपर पैटर्न रहेगा, ठीक है। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये 1 जैसा इसमें दिया हुआ है, ये सीरियल नंबर सबसे पहले देख सकते हो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन दिया है, और उसके बाद जो है मैक्सिमम मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये जो पेपर रहेगा इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की बात की गई है। जैसे एआरएस 2023 का जो रिटन एग्ज़ाम होना है ये 3 आर का होगा, और ये जो है 300 मार्क्स का होगा, और पेन या पेपर मोड जैसा कि दिया हुआ है में ये आपका एग्ज़ाम होना है जैसा कि दिया है। और दोस्तों ये सीरियल नंबर 2 पे जो दिया है रिसर्च एकम्प्लिशमेंट्स, ठीक है, तो ये जो है 40 मार्क्स का रहेगा। और थर्ड इसमें जो दिया है पर्सनल इंटरव्यू, मतलब आपका जो पर्सनल इंटरव्यू जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा। ओवरऑल यदि बात करें हम लोग एग्ज़ाम की तो ये जो है 400 मार्क्स का जो है रहेगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो मतलब इस पूरे जो एआरएस का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, एआरएस 2023 एग्ज़ाम के जो पूरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 400 का होगा। वैसे जो रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो जैसा कि दिया है पहले हम देखा कि 300 मार्क्स का, ठीक है ना। तो इसमें आगे फिर देख सकते हैं एआरएस 2023 का जो रिटन एग्ज़ाम है वो मतलब जैसा वही फिर इसमें जो है रिटन फॉर्म में दिया हुआ है कि 300 मार्क्स का रहेगा, 3 आर्स का रहेगा। और फिर नेक्स्ट पैरा में जो दिया है द कैंडिडेट हु ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन एज मे बी डिसाइडेड बाई द बोर्ड इन इट्स डिस्क्रिशन शैल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:3 के रेशियो में जो है कैटेगरी वाइज फॉर ईच पोस्ट, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि दिया है कि ये जो रिटन एग्ज़ाम रहेगा इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है एक मतलब ये बोर्ड के द्वारा जो है डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, और पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो है उसके अकॉर्डिंग कॉल किया जाएगा। आगे फिर बात की गई है इवेल्युएशन ऑफ रिसर्च एकम्प्लिशमेंट, जो बी सेक्शन था मतलब 40 मार्क्स का ये था। तो इसमें दोस्तों ये क्या मतलब इस किन आस्पेक्ट से बात की गई जाएगी या किन आस्पेक्ट्स को देखा जाएगा, तो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट दिया है रिसर्च पब्लिकेशन, आपके कितने पब्लिकेशन हैं, कितने क्वालिटी वाले हैं, ये सारी बातें इसमें मतलब ध्यान दी जाएंगी। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है पेटेंट ग्रांटेड, मतलब आपके पेटेंट वगैरह यदि कुछ हैं तो आपने पेटेंट यदि कराया हुआ है। फिर थर्ड जो पॉइंट दिया है कॉपीराइट या डिज़ाइन या ट्रेडमार्क, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 आस्पेक्ट्स पे जो है इस सेक्शन में ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद जो है सी जो दिया है एआरएस 2023 पर्सनल इंटरव्यू, तो ये पर्सनल इंटरव्यू के बारे में जो है इसमें बात की गई है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रिटन एग्ज़ाम होना है 300 मार्क का, ठीक है, इसमें जो है कितने टोटल क्वेश्चन रहेंगे और कितने कितने मार्क्स के जो है प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे। फ्रेंड्स जैसे देख सकते हैं ये एएसआरबी की वेबसाइट पे जो है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा जो है ये 10 अगस्त 2023 के डेट का ये नोटिस ये दिया हुआ है, ये पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग जो है, जैसा कि देख सकते हैं पैटर्न ऑफ एआरएस 2023 रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात की गई, ठीक है। इसमें जो है बात किया गया है कि ये जो है पेपर आपका एक मतलब केवल एक पेपर जो है 300 मार्क्स का रहेगा और 3 घंटे का रहेगा। और ये पेपर पैटर्न की बात करें तो ये फॉलोइंग टाइप के इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं इसमें 1, 2, 3 करके दिया हुआ है। पहले नंबर पे जैसा दिया है कि 25 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच, ठीक है, मतलब 25 क्वेश्चन जो रहेंगे 5 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और आपको 50 वर्ड्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा। फिर सेकेंड जो पॉइंट है दिया हुआ है 10 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच, मतलब 10 क्वेश्चन जो रहेंगे प्रत्येक 10 मार्क्स के रहेंगे और 100 वर्ड्स में आपको जो है प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आपको करने रहेंगे। फिर जो थर्ड इसमें दिया है 5 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स ईच, मतलब 5 क्वेश्चन जो रहेंगे 15 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे और आंसर आपको करने होंगे 150 वर्ड्स, मतलब 150 वर्ड्स में जो है आपको प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को करना रहेगा।
और फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताते हैं कि यदि आप ICR नेट ये मतलब ASRB नेट की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड कई सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो, किन बातों का आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और भी उसके बारे में डिटेल जो भी ASRB नेट से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे जो है, तो उन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के पेज या फिर चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं, या कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है सारे वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, और साथ ही साथ जो इस वीडियो के आई बटन में भी जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनके लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकें। फ्रेंड्स आपको जो भी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है आप खुद से जो है ASRB के वेबसाइट पे जाकर के सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की गई उस सबको जो है एक बार आप चेक कर लें, पढ़ने से पहले सेटिस्फाई हो लें, तभी उन सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें, अदरवाइज ना करें, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चाहे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग किसी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों इतना पेशेंस के साथ आज का वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।